तो ये आपके सामने दो फिगर है, पहला है फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर का और दूसरा है नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर का। अब देखो इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है। फोर्स सर्कुलेशन मतलब हम किसी चीज़ को फोर्सली पुश कर दें या फोर्सली पुल कर दें, फोर्सली मतलब उसमें हम कुछ एक्सटर्नल चीज़ दे रहे हैं ताकि उसमें कुछ फोर्स लगे, ठीक है। और नेचुरल मतलब वो ऑटोमेटिक हो रहा है, जो काम होना है उसमें अपने से होगा, ठीक। अब देखो पहले सीख लेते हैं नेचुरल वाले को हम। देखो नेचुरल वाले में ये हमारा स्टीम ड्रम है, ये हमारा स्टीम का ड्रम है, ठीक है। यहाँ पे हमने फीड वाटर दिया, यहाँ पे हमने वाटर भरा, इसमें वाटर जब भरेगा तो यहाँ से फिर आएगा नीचे, यहाँ से आएगा नीचे, यहाँ से नीचे आने के बाद अब देखो यहाँ पे हम इतनी जगह में हम वाटर को हीट करते हैं, वाटर में हम हीट इनपुट देते हैं। तो जब यहाँ पे वाटर को हम हीट इनपुट देंगे तो वाटर धीमे धीमे हीट होने लगेगा और यहाँ पे स्टीम का होगा जनरेशन। जब स्टीम का जनरेशन होगा तो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, सिर्फ डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ही क्या होगा, यहाँ पे स्टीम ऊपर जाएगी। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ही स्टीम और लिक्विड की डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ही स्टीम हमारी ऊपर उठेगी और ऊपर उठ के यहाँ पे वापस इसी स्टीम ड्रम में आएगी और उसके बाद यहाँ से ये स्टीम यहाँ से आउट हो जाएगी। मतलब हमको जहाँ पे भी स्टीम हमें यहाँ पे लेना होगा इसका आउटपुट, वहाँ पे इसको इनपुट करा के वहां से उसका आउटपुट ले लेंगे। ये होता है हमारा नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, जिसमें हम किसी भी पंप का किसी भी एक्सटर्नल मीन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओनली जो इसमें डेंसिटी डिफरेंस होता है सिर्फ उसके कारण ही हमारा यहाँ पे फ्लो होता है, इसी को बोलते हैं नेचुरल सर्कुलेशन। मतलब बॉयलर में एक नेचुरल सर्कुलेशन बना हुआ। अब देखो अब अपने फोर्स सर्कुलेशन क्या होता है। फोर्स सर्कुलेशन में हम एक एक्सटर्नल पंप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पंप का इस्तेमाल करते हैं तब यहाँ पे हमने एक्सटर्नल मीन्स दिया, इसीलिए इसको बोल दिया फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। मतलब जो बॉयलर में सर्कुलेशन हो रहा है वो किसी चीज़ से फोर्सफुली कराया जा रहा है और वो हमारा क्या है, एक पंप है। और ये पंप हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ठीक है, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। अब देखो यहाँ से पानी आया, पंप ने पानी को खींचा, तो यहाँ पे फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक ओरिफिस वाल्व लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लो ओरिफिस कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पे हम वाटर को हीट करेंगे और ड्यू और ये फोर्स की वजह से हमारा पानी जब इसको यहाँ फोर्स मारेगा और यहाँ पे भी डेंसिटी का डिफरेंस हो जाएगा, तो इन दोनों की हेल्प से ये पानी ऊपर उठ जाएगा। यहाँ पे स्टीम बन गई, स्टीम ऊपर उठेगी और यहाँ पे आएगी वापस बॉयलर ड्रम में और यहाँ से इसके बाद ये जहाँ से हमको स्टीम का वो मतलब यूज़ लेना होगा वहाँ से हम स्टीम का यूज़ ले लेंगे। तो इतने में किसी कोई दिक्कत है या आप पिछली समझ गए ना कि व्हाट इज फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर और व्हाट इज नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। अब हम देखेंगे कि इन बॉयलर्स के एग्जाम्पल कौन कौन चलिए से हैं, आप ठीक देखें। है, कि हमारा नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर का और फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर का कौन कौन से बेस्ट एग्जाम्पल है जिससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और एक चीज़ और बता दूँ कि किसी किसी सर्कुलेशन फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर में, मतलब इन सम फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर सर्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर जो हमारा सर्कुलेशन का रेट होता है वो 20 टाइम्स होता है। मतलब इन सम फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर, किसी किसी फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर में जो वाटर का सर्कुलेशन होता है, वाटर सर्कुलेशन 20 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इवेपोरेशन, ठीक है, इसको याद रखना हमने वो कि इन सम फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर द वाटर सर्कुलेशन अबाउट 20 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक। अब देखते हैं व्हाट आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर और नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। तो देखो हमारे कुछ एग्जांपल हैं नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर के, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर के, और कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर के। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या, अपने को सारे एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। पहला है हमारा नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है लैंकाशायर बॉयलर, लैंकाशायर बॉयलर इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, ठीक है। दूसरा हमारा है कॉकरन बॉयलर, COCHRAN, कॉकरन बॉयलर भी हमारा होता है एक तरह से नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। मैं आप लोगों को यहाँ पे सारे बॉयलर्स की इमेज चाहता तो दिखा देता, लेकिन मैं इसको नहीं दिखा सकता हूँ ड्यू टू सम इशू, कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा, इसीलिए मैं इमेज आपको नहीं शो कर सकता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप नेट पर जाइएगा, जितने मैं आपको एग्जाम ये मतलब आपको मैं जितने भी बॉयलर्स का नाम दे रहा हूँ उसको एक बार नेट पर सर्च कर लीजिएगा, एक बार बस इमेज देख लीजिएगा आपको याद हो जाएगा। अगर आपने डिप्लोमा में थर्मल इंजीनियरिंग बाई आईएएस खुदमी अच्छे से देखी होगी, अच्छे से उसका स्टडी किया होगा, तो आपको ये सारे बॉयलर्स एक बार बस आप देखेंगे उस बुक को ही देख लीजिएगा, अगर आपने अच्छे से किया होगा तैयारी, तो
तो थर्मल इंजीनियरिंग बाय आयस खुद में बहुत ही अच्छी किताब थी, उससे आप देखेंगे बहुत ही अच्छा उसमें सब बॉयलर्स को उसने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अभी अभी फिलहाल हमको यहाँ पे कौन कौन से नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स हैं, कौन कौन से फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर्स हैं, उनके एग्जाम्पल याद रखना है, बाई हार्ट याद रखना है। ठीक, तो थर्ड एग्जाम्पल अपना हो जाएगा बैबकॉक्स एंड विल। देखो भाई, बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर से भी जो इसमें वैल्यूज होती हैं उससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो ये तीन एग्जाम्पल अपने याद रखना है नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर में, पहला लंकाशायर बॉयलर, दूसरा कॉकरन बॉयलर, तीसरा बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर। ठीक, अब आते हैं फोर्स सर्कुलेशन में। अब देखो फोर्स सर्कुलेशन में कौन कौन से एग्जाम्पल अपने याद रखना है, पहला एग्जाम्पल है इसमें ले अमाउंट बॉयलर, ला माउंट या ले अमाउंट, ला माउंट बॉयलर, ला माउंट बॉयलर। मेरे साथ अभी आप मेरे साथ इसको याद कर लीजिए, एक बार याद कर लेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेचुरल में लंकाशायर, कॉकरन, बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स। अब आते हैं फोर्स वाले में, पहला ला माउंट बॉयलर, दूसरा बेंसन बॉयलर, बेंसन बॉयलर, बेंसन बॉयलर, तीसरा है हमारा लोएफलर बॉयलर, लो एफलर बॉयलर, लो एफलर बॉयलर, फोर्थ है हमारा वेलकॉन बॉयलर, वेलकॉन बॉयलर। तो आपको एग्जांपल्स हमेशा के लिए याद रखना है आपको फोर्स का और नेचुरल का, अच्छे से देख लो, अच्छे से इसको नोट कर लो। ठीक है, मैं आपको हर जगह से खोज खोज के लाके आपका ये तैयारी में आपकी प्रिपरेशन अच्छे से पूरी करा दूंगा। ठीक है, आपको ये सारा मटेरियल एक जगह मिल जाएगा, ये अच्छे से इसको नोट कर लो। अब दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, जो अपना फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर है मैक्सिमम ये इस्तेमाल होता है हमारा हाई प्रेशर के लिए, यूज इन हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में लिए हम फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर अगर हमको चाहिए तो पंप का हमको इस्तेमाल लेना ही पड़ेगा, जिससे हम बॉयलर में हाई प्रेशर अचीव कर सकें। ठीक है, और ये नेचुरल बॉयलर ज़्यादा नहीं, सम प्रेशर में इस्तेमाल होता है हमारा नेचुरल बॉयलर, जहाँ पे हमको ज़्यादा हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको।